ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आप ने जो हमने डिस्कस किए डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंट ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू, यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस. नाउ वी विल जस्ट सी हाउ वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ. फॉर इंस्टेंस, ये मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ. एक ऑर्डिनरी एनुटी है और इसकी मैं वैल्यू को कंप्यूट करना चाहता हूं. नाउ द फॉर्मूला इज पीवी इज इक्वल टू पीएमटी 1 - 1/(i) पावर एन डिवाइडेड बाय आई. सो मुझे इस एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो एक तरीका तो यह है कि मैं 1 by 1 इन तमाम पेमेंट्स को टाइम जीरो पे लेके आऊं और उनकी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू इस एनुटी की आ जाएगी. बट लेट्स सपोज अगर मैं यही एनुटी आपको 50 पीरियड्स की दे दूं तो आपको ये प्रोसेस 50 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा एंड दैट इज टाइम टेकिंग. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एक्सरसाइज वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एनुटी. तो एनुटी के केस में हम सिंपली क्या करेंगे, PMT is 200 into 1 minus 1 over 1 plus I. Let's suppose I is 0.1. 1.1 over 0.1 और क्योंकि यहां पे 4 हमें नजर आ रहा है कि the closing period is 4 years, so N will be equal to 4. Now we can simply solve this 1.1 power 4, 1 divided by answer, 1 minus answer and answer divided by 0.1 multiplied by 200. So the present value of this particular annuity is 633.9731. So ये इस एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू है. अगर यही हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली गो फॉर द अदर फॉर्मूला, एफ वी इज इक्वल टू पी एम टी 1 + i पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i. So we have to calculate FV, that is the future value. Payment is 200, 1.1 power 4 minus 1 divided by 0.1. Now again we will solve this expression. 1.1 power 4 minus 1 divided by 0.1 multiplied by 200. So the future value of this annuity is 928.20. So now we have calculated the present value and both future values in this of annuity. But in both cases we use the example of ordinary annuity. Now let's play a little bit with these formulas, and we suppose that we do not have the value of n. We have the value of present value of the annuity. We know about the PMT. We know about the interest rate, but we do not have any information about n. So let's suppose our PMT is 200. Present value is 600. I is 10%. And we have to calculate n. So again we will use the same formula, PVA PMT 1 - 1/(i) power n divided by i. So PVA here is, sorry, PVA is 600, PMT is 200, 1 - 1.1 power n divided by 0.1.
फाइन जी, अब हम इस फॉर्मूला को शॉर्ट कर लेते हैं। सो अगर हम 600 को 200 से डिवाइड कर दें, इट विल बी इक्वल टू 3, और इस 3 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि ये 0.1 यहां पे डिवाइड कर रहा है, तो ये फिर इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज बेसिकली 0.3। सो 0.3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1.1 पावर n। सो इसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर 1.1 पावर n 1 माइनस 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.7 1 ओवर 1.1 पावर n। और अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 ओवर 0.7 1.1 पावर n। अब हमने n को खत्म करना है तो हमें log लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n log of 1.1 और log of 1 over 0.7। अब इसको हम n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.7 दैट इज 1.4285 इज इक्वल टू n log of 1.1, और हम log of 1.1 भी ले लेते हैं जी, log of 1.1 तो फाइनल हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज 3.7423 इयर्स। आप कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i और maybe p। लेट्स डू i लेटर ऑन, वी विल सॉल्व इट फॉर द p फर्स्ट। So for instance, we know about the value of n, that is 4, but we don't know that what is the value of PMT. Now this one is relatively bit easier. So present value is 600, PMT is unknown, I don't have any particular information about the PMT, I don't know what is the amount of payment, I is same 10%, it is 1.1 power 4 divided by 0.1. So simply solve this expression and divide 600 with this particular expression and you will get the value of PMT. So 1.1 power 4, 1 divided by answer, 1 minus answer and answer divided by 0.1. So it is 3.1698. Now divide 600 with this answer and your PMT is equal to 189.2824. Is it clear, G? I hope you got the idea that how do we calculate PMT. Okay, G. Now we calculate I. Now the calculation of I is a little bit complicated. Why it is a bit complicated? Let's see. Now again we assume that PMT is 200, present value is 600. N is 4 and I is unknown. Let's put this all information in this formula. 600 200 1 minus 1 plus I power 4 divided by I. Now look at this expression and you can see here
that I is both in nominator and denominator. If it was only nominator or only denominator, then we could have solved it. But it is both in nominator and denominator, so we cannot solve it directly by manipulating this particular formula. So what we have to do, the method we use for the calculation of I is basically hit and try method. With the help of this method, hit and try method, we find out two interest rates. At one interest rate, this value, the present value, must be greater than 600, and at the other, it should be less than 600. So let's find out the values. Let's suppose if it is 8%, so 1.08 power 4, 1 divided by answer, 1 minus answer divided by 0.08 multiplied by 200. So it is 662.42, and if we have to decrease this value, then we will have to increase the rate. So now let's suppose it is 9%. So if it is 9%, 1.09 power 4, 1 divided by answer, 1 minus answer, and answer divided by 0.1 multiplied by 200. Okay, ji. So 9% pay, at rate of 9%, 0.09, जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आई है वो 583.3149 है. और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन को 8% पे सॉल्व किया था. तो जब हमने इसको 8% पे सॉल्व किया था, 1.08 पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर, एंड आंसर डिवाइडेड बाय 0.1, एंड आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1.08 पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर, and answer divided by 0.08 multiplied by 200, and it is at the rate of 8%, the present value is 662.42 by 4. और दूसरा रेट हमने यूज किया 9%. तो 109 पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर, एंड आंसर डिवाइडेड बाय 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 200. सो एट 9% इट इज 647. Still we have to bring it down, so we will further increase. So let's take it to 11%. So if it is 11%, 1.11 power 4, 1 divided by answer, 1 minus answer, and answer divided by 0.11 multiplied by 200. It is again 620, still higher, so let's take it to 13%, 1.13 power 4, 1 divided by answer, 1 minus answer, and answer divided by 0.13 multiplied by 200. So now it is very close. So at 13%, it is
594.8942. Now this one is very close. So अब हम इसको एक डेट नीचे ले आते हैं ताकि ये हमें एक डेट ऐसा मिल जाए जिसपे ये 600 से ज्यादा हो. वो वैल्यू हमारे पास आ गई है जहां पे ये 600 से कम है, 13% पे ये 600 से कम है. अब हमें एक दूसरा रेट फाइंड आउट करना है जहां पे ये 600 से ज्यादा हो, और अगर हमें इसकी वैल्यू को ज्यादा करना है तो हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा. तो हम इसको 12% पे सॉल्व कर लेते हैं. 1.12 पावर 4 डिवाइडेड बाय सॉरी 1 डिवाइडेड बाय आंसर 1 माइनस आंसर and answer divided by 0.12 multiplied by 200. Okay, so 12% पे हमारे पास जो value आई है that is 607.4697. अब अगर आप देखें गौर से तो बहुत जो है minor सा एक difference है, लेकिन हमें exact value find out करनी है 12% या 13% के दरमियान में जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट है वो इन दोनों के दरमियान में होगा. क्योंकि 13% पे अगर हम देखें तो वैल्यू कम हो जाती है, 12% पे करें तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है. तो अब वो एग्जैक्ट रेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड मौजूद है जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन का मेथड क्या है कि आप लोअर रेट से स्टार्ट करें, 0.12 हमारा लोअर रेट था, और इसकी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इसके सामने लिख दें, दैट इज 607.4697. अब जो आई है हमारा उस पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेट इज अननोन 600, और जो अपर वैल्यू हमने फाइंड आउट की 13% उस पे हमें वैल्यू कितनी मिली, 594.8942. अब आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लें और इन दो का डिफरेंस लें, आई रिपीट, जो लोअर वैल्यू है और जो एक्चुअल है आई उसका डिफरेंस ले लें, और लोअर और अपर का डिफरेंस ले लें. क्योंकि आई अननोन है तो इसलिए इसका भी डिफरेंस भी अननोन होगा, लेट्स कॉल इट एक्स. और 0.12 और 0.13 का डिफरेंस कितना आया, 0.01. ये बात याद रखें कि हम दो वैल्यूज का डिफरेंस ले रहे हैं, किसी को किसी में से माइनस नहीं कर रहे, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा. हम 0.12 में से 0.13 माइनस नहीं कर रहे, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म में लिखा जाएगा. सिमिलरली आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें और इन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें. मैं रिपीट करता हूं, जैसे हमने यहां पे 0.12 और आई का डिफरेंस लिया था, और फिर 0.12 और जो हायर वैल्यू थी उसका डिफरेंस लिया था, इसी तरह हमने यहां पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के डिफरेंसेस ले लेने हैं. तो अगर मैं 607.4697 का डिफरेंस लूं तो वो क्या आता है, 7.4697. और जो दूसरी वैल्यू है उसका अगर मैं डिफरेंस लूं, यानी अपर और ये जो लोअर है, तो वो आता है 607.4697 माइनस 594.8942, 12.5757. ओके जी, अब ये डाटा हमारे पास आ गया. इस डाटा को यूज करते हुए आप एक इक्वेशन बनाएं, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 0.01 इज इक्वल टू 7.4697 ओवर 12.5757. लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स. So, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0.00594. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. लेकिन अब x था क्या, 0.12 और i का डिफरेंस, और हमने पहले कहा कि i 0.12 से ग्रेटर है और 0.13 से लोअर है, और एक्स